हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रंटलाइनर्स एकेडमी। आज हमारा पहला लेक्चर है बायोलॉजी का, जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में आप सीखोगे बायोलॉजी होती क्या है, उसके अंडर कौन से ब्रांचेस हैं और बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में है व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग, इसलिए इसे हिंदी में जीव शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें हम जिंदा लोगों के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो कभी जिंदा थे। तो फिर बस इतना ही बायोलॉजी में। तो और बायोलॉजी हमें मेन हेल्प करता है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने की। तो फिर लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर इनमें हम लिविंग और नॉन लिविंग देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर फिर भी इनमें कुछ अलग अलग डिफरेंसेस हैं जो हमें पढ़ाए गए हैं, पर हम उसका अगर डिटेल में स्टडी करें तो फिर उसके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है ग्रोथ, फर्स्टली ग्रोथ। तो ग्रोथ एक फैक्टर है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का। नॉन लिविंग का इसलिए क्योंकि किसी रॉक पे अगर सैंड की कंटिन्यूसली डिपोजिशन होती जाए तो फिर साइज में ग्रेजुअली बड़ा होगा ही, और लिविंग में भी ग्रोथ देखी जाती है। बस इन दोनों की ग्रोथ का फर्क यह होता है कि रॉक पे या फिर नॉन लिविंग थिंग पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, लिविंग पे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। सेल डिवाइड होता है, सेल एक से दो, दो से चार, चार से आठ और सो ऑन होता है। यहाँ सैंड, यहाँ बस रॉक पे सैंड का डिपोजिशन हो रहा है, तो इसलिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है या इंट्रिंसिक ग्रोथ हो सकता है। सेकंड हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। सो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, पर इसमें दो तीन एक्सेप्शन आ जाते हैं। जैसे नॉन लिविंग तो ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, पर लिविंग में कुछ कुछ लिविंग भी कैसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे हम एग्जांपल ले तो म्यूट हनी बी करती है पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस, पर वो एक प्योर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है हम फर्दर लेक्चर्स में जानेंगे। और कुछ कुछ लिविंग नहीं कर पाते इसे रिप्रोड्यूस, तो फिर वो भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो फिर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, क्योंकि हम किसी बॉडी का सेल ऑब्जर्व करें किसी भी पार्ट का, उसमें अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स और न्यूक्लियस कह लिया अपन, एक ऑर्गेनाइज मैनर में होते हैं। वही नॉन लिविंग में, मतलब नॉन लिविंग के सेल्स होते ही हैं, पर नॉन लिविंग जितना भी कहीं भी बनता है तो फिर बहुत रैंडमली बनता है। मतलब आप माउंटेन रेंजेस को भी देखेंगे तो फिर वो एकदम ऑर्गेनाइज पैटर्न में नहीं है, मतलब कंटिन्यू एक स्मॉल टू बिग आ रहा है, स्मॉल टू लार्ज आते आ रहे माउंटेन, वो एक कभी लार्ज कभी स्मॉल है, एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। फिर वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। वो अपन नेक्स्ट पॉइंट है। What is metabolism? Metabolism is basically sum of all reactions taking place in our body. So, body के अंदर जितनी भी reaction होती है, मतलब कब कब होती है, अपन कोई food consume करते हैं तो फिर liver में glycogenesis होती है, gluconeogenesis होती है, मतलब glycogen में fat का वो glycogen में ये करता है transfer, glucose में करता है। तो ये एक normally basic level पे तो chemical reaction है, पर यही reaction अपन एक test tube में भी perform कर सकते हैं। तो फिर hence metabolism is not a defining factor. और लास्ट और फाइनल पॉइंट अपना कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ लिविंग, बिकॉज कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में देखी नहीं जाती। कॉन्शियसनेस क्या होता है एक्चुअली, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करना जो सिर्फ एक लिविंग ही कर सकता है। जैसे अगर ट्रीज को कट दे तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेल रिजनरेट कर लेगी, पर वही अगर अपन रॉक को कट दे कहीं से तो फिर वो नहीं रिजनरेट कर पाएगा कहीं से भी, तो फिर कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। और वही भी अपन ह्यूमंस के अंदर उसमें अपने को एक्सट्रीम लेवल दिखता है जो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि मतलब हिंदी में तो होशो, अपने होशो आवाज में अपन कितने बार कई बार सुनते हैं, तो वैसे वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। और जब कोई आदमी, जब एक आप कहोगे कि कभी कोई आदमी कोमा के स्टेट में चले जाए तो फिर वो एक्चुअली डेड नहीं होता, उसको सेमी डेड है, फिर उसको ऐसे बोलते हैं कि मरा नहीं है, इसलिए बोलता है कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता लेकिन वो कॉन्शियस होता है। अभी भी आप उसको फूड दे रहे हो तो फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। सो अपना नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दो बेसिक ब्रांचेस है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स और बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो फिर स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। बायोलॉजी के भी फादर है, और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफायरस्टस। और हमें और एक चीज पढ़नी है, द फादर ऑफ मेडिसिन विच इज हिप्पोक्रेट्स। अपना दो ब्रांचेस खत्म हो गए, तो नेक्स्ट ब्रांचेस है एक्चुअली। हाँ, और बायोलॉजी जो ब्रांचेस है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर से चेंज होते थे, जैसे अभी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया पढ़ के समझ में आ रहा है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, और माइक्रोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और अप्रोच ऑफ स्टडी। तो फिर हम देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी लोगों को लगता है एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर, पर एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, जस्ट द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हम डाइसेक्शन के टाइम पे देखते हैं, और उनको अपन एक ओवरऑल उसका क्या फंक्शन है वो देखते हैं, क्लियर करते हैं डाइसेक्शन के टाइम पे, वो एनाटॉमी ले लेते हैं। और मॉर्फोलॉजी रहेगा, मॉर्फोलॉजी लोगों को, और मॉर्फोलॉजी का ऐसा मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि उन लोगों को लगता है कि वो एक्सटर्नल फीचर्स है, और एक्चुअली वो सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स, दो चीज़ों के अंदर बॉडी पार्ट्स का डिफरेंस है, जैसे मेल फीमेल में कोई बॉडी पार्ट है इसमें नहीं है, तो फिर इसमें है तो फिर उसका क्या एसेंशियलिटी क्या है, उसकी उसका यूज क्या है, तो फिर वो मॉर्फोलॉजी में बताया जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो होता है वो मतलब माइन्यूट लेवल पे, फिर सेलुलर लेवल पे या फिर टिश्यू लेवल पे किसी चीज को एक्सप्लोर करना, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन के अंदर, जब हम एलिमेंट्री के अंदर का हिस्टोलॉजी देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं उनका जो बेसिक फंक्शंस जो होता है उसको देखना या फिर उसको पढ़ना होता है फिजियोलॉजी। सो नेक्स्ट की तरफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब उसके बारे में। सो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट इज आर इवोल्यूशन एज वेल एज जेनेटिक्स। सो इवोल्यूशन और जेनेटिक्स वो अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन उनको स्टडी साथ में ही किया जाता है हर जगह पर, तो इसलिए हम उसको साथ में कंसिडर करते हैं। तो इवोल्यूशन, एक्चुअली इवोल्यूशन जो होता है हमारे ह्यूमन बींग या फिर हमारी अर्थ का ओरिजिन से लेके अभी तक जितना भी लेखा जोखा होगा उसके बारे में पढ़ना इवोल्यूशन होता है। और जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स मतलब क्या, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, हमारे कुछ कैरेक्टर होते हैं, मतलब हमारे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो इनहेरिटेड बाय पेरेंट्स, मतलब होता है कि किसी पापा, किसी के पापा को कुछ आदत होगी फिर वो इसको नॉर्मली, जैसे डायबिटीज किसी बीमारी जो जेनेटिकली भी स्प्रेड होती है, तो वो जेनेटिक्स में आ गया। सो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। जैसे आप नॉर्मली सुनते हो गए अपने डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट करते हो, फिर वो बोलते हैं कि पैथोलॉजी लॉग में बता दो, तो कुछ टेस्ट करके बताते आपको कौन सी बीमारी है, तो फिर पैथोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। सो इम्यूनोलॉजी,
तो इम्यूनोलॉजी में एक्चुअली ये स्टडी नहीं होता है, इम्यूनोलॉजी एक साइंस है, बाकी जितने भी ब्रांचेस देखे ना वो एक्चुअली स्टडी है, पर ये एक साइंस है, इट इज अ साइंस ऑफ इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, डिजीज को अपनी इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। सो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाइकिंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम से हमें देख के पता चल रहा है उसमें पांच किंगडम होंगे, जो फर्स्ट इज मौर्य, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज पंजाबी, फोर्थ इज क्रांति, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज एनिमिटी। सो मोनेरा, मोनेरा में बेसिकली सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल देख लो, प्रोटिस्टा में देख लो, प्रोटिस्टा में अपन ले सकते हैं अमीबा, फंगी में देखा तो फंगी बहुत यूजफुल होता है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल यीस्ट है, फंगी का एक अलग टाइप का है साइक्रोमाइसिस सर्वेसी जो बियर बनाने में काम में आता है, वे फर्दर लेक्चर में देखेंगे। तो प्लांटी, प्लांटी नॉर्मली सारे ट्रीज, पाइन ट्रीज, तो एनिमल्स आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, सो बाय।